नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। आज हम देखेंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, अगर देखा जाए द टर्म प्रोटीन एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, ये ग्रीक वर्ड है प्रोटीन, जिसका मतलब होता है प्रोटियस, मीनिंग होल्डिंग फर्स्ट प्लेस और प्री एमिनेंट, मतलब पहला मॉलिक्यूल। मोस्ट अवर्डेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम में कौन कौन से मिलते हैं, आइए देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनका क्या क्या परसेंटेज है वो यहाँ दे रखा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रखा है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से हैं। तो इनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और इसके नीचे दे रखे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैगनीज, ठीक है, इस तरह से। प्रेजेंट इन ईच एवरी सेल्स, 50% सेलुलर ड्राई वेट बनाता है प्रोटीन, ठीक है, सेल के अंदर। फॉर्म फंडामेंटल बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ होता है प्रोटीन। हैव हाई मॉलिकुलर वेट मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी अमाइनो एसिड, अनब्रांच्ड होंगे, ठीक है। पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमाइनो एसिड, सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एल अल्फा टाइप के होते हैं। अल्फा जो होता है कार्बन, ठीक है, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी रोटेशन मिलता है अमाइनो एसिड में, ठीक है। ये टू टाइप का होता है, एल फॉर्म और डी फॉर्म। एल फॉर्म लीवो रोटेटरी और डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी। 20 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स इन डिफरेंट सीक्वेंस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कंबाइंड टू फॉर्म इन डिफाइंड नंबर ऑफ प्रोटीन। अगर मैं बता दूं यहाँ पे 300 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और ये टू टाइप के होते हैं, 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल मतलब होता है हमें डाइट से लेने की नीड होती है इन अमाइनो एसिड्स की, और दो जो 10 जो होते हैं नॉन असेंशियल, उनको हमें लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें खुद फॉर्म करती है अपने अंदर। इसके अलावा हाउ अमाइनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन, अमाइनो एसिड मिलके आपस में क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग मिलती है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, किस तरह से फॉर्म्ड है ये। इसके बाद में फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोटीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, द सोल सोर्स ऑफ रिप्लेस नाइट्रोजन ऑफ द बॉडी। एंजाइम प्रोटीन जो होती है एक्ट एज एंजाइम काम करेगा, बायोकेमिकल कैटलिस्ट करेगा। इम्यूनोग्लोबिन, 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, IgM, IgA, IgMD और IgE। बॉडी डिफेंस में काम करेगा। सेवरल हॉर्मोन्स भी बनाता है, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ये हॉर्मोन्स हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर बनाएगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जैसे एल्बुमिन है। सोर्स ऑफ प्रोटीन फेरेटिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनाएगा, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में फैक्टर बनाता है। प्रोवाइडिंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के लिए भी, मतलब प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। कॉलेजन, लास्टिन, बोन मैट्रिक्स, वैस्कुलर सिस्टम, ये सब क्या करता है, प्रोटीन करता है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। टू सोर्स मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेस में एग, मिल्क, फिश, मीट, ये सोर्स हैं प्रोटीन के, ठीक है। और प्लांट में सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है, ये है मेन सोर्सेस। डेफिनेशन देखें तो क्या होगी शॉर्ट में, प्रोटीन आर द हाई मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ लिविंग सिस्टम, फॉर्मिंग द फंडामेंटल बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, इसको बोलेंगे हम प्रोटीन। आइए अब देखते हैं अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शन ग्रुप, अमीनो, NH2 होता है इसका सिंबल, ठीक है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अमीनो एसिड की, एक कार्बन होगा, उस कार्बन से एक R ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा और एक NH2 ग्रुप होगा और एक COOH ग्रुप होगा। तो इसको बोलते हैं बेसिक जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज्यूटराइन, ये इंपॉर्टेंट है ज्यूटराइन। ज्यूटराइन क्या होता है, दे कंटेन एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है, डाइपोलर आयंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछता है व्हाट इज ज्यूटराइन, तो ज्यूटराइन क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज्यूटराइन, मतलब जिसमें ये दोनों ग्रुप मिलें।
दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एम्पोटेरिक एंड ऑफन कॉल्ड इज एम्पीलाइटिक एम्पीलाइट्स, ठीक है, आइदर ह्यूमंस नॉर एनी, ठीक है, देर हायर एनिमल इन सिंथेटिक 10 और 20 अमीनो कॉमन अमीनो एसिड से, ठीक है, ऐसे कौन कौन से होंगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है अमीनो एसिड का, हैज़ बीन क्लासीफाइड अंडर द बेरिस बेस, स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे, पोलरिटी के बेस पे देखेंगे और न्यूट्रिशन के बेस पे देखेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। साइड चेन कंटेनिंग एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अमीनो एसिड का कौन सा एलिफैटिक है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस अमीनो एसिड कंटेनिंग ब्रांच चेन एंड हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से रखेंगे, ग्लाइसिन रखता है, एलेनिन रखेगा, बेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो OH ग्रुप रखेंगे वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, सेरीन है, थ्रियोनिन और टायरोसिन। इसके अलावा साइड चेन कंटेनिंग सल्फर अमाइनो एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, सिस्टीन और मिथ्यूनिन, दो ही होते हैं केवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आंसर क्वेश्चन। साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप और देयर अमाइड्स, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो अमाइड ग्रुप या एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एस्पार्टिक एसिड होगा, ठीक है, एस्पारजिन होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा और ग्लूटामाइन होगा। साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप्स, ये बेसिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, आर्जिनिन, लाइसिन और स्टेडिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, क्षारीय अमाइनो एसिड पूछ सकता है आपसे, तो ये होंगे तीन, ठीक है। इसके अलावा कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग मिलती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हैं, हिस्टेडिन, फिनाइनएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रोलाइन, ठीक है, प्रोलाइन ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इम्यूनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलरिटी के बेस पर, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, तो नॉन पोलर ग्रुप कौन कौन होते हैं, नो चार्ज और नो आर ग्रुप, मतलब नो आर ग्रुप मतलब नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बेलिन, मिथ्यूनिन और फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और क्लोरीन होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। पोलर अमाइनो एसिड में कौन से होते हैं, जो नो चार्ज और आर ग्रुप, नो चार्ज और आर ग्रुप बट इज पास इज ग्रुप ऑफ सच एज हाइड्रोक्साइल, ठीक है, सल्फाहाइड्राइल एंड अमाइड्स, जैसे ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टिन और ग्लूटामाइन, एस्पारजिन एंड टायरोसिन। इसके अलावा पॉजिटिव आर ग्रुप कौन से रखते हैं, लाइसिन, आर्जिन और हिस्टेडिन, नेगेटिव आर ग्रुप कौन से रखेंगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी देन देयरफॉर नीड टू द सप्लाइड थ्रू द डाइट, मतलब हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, वो उन्हें बोलते हैं हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए आर्जिनिन, बेलिन, हिस्टेडिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये होते हैं एसेंशियल, ठीक है, और मेनोक्स कौन से होते हैं, ये हिल्स होंगे कुछ होते हैं, ठीक है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या है, अडल्ट कैन सिंथेसाइज टू अमाइनो एसिड्स नॉट बाई द ग्रोइंग चिल्ड्रन, आर्जिनिन और स्टेडिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सो इन ऑल आर 8 and 2 सेमी एसेंशियल। अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं, टू अमाइनो एसिड जो क्या होते हैं, कोवेलेंटली जॉइंट होते हैं थ्रू द सब्स्टिट्यूट अमाइनो लिंकेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होता है तो रिमूवल ऑफ H2O एंड OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप 1 अमाइनो एसिड, ठीक है, H फ्रॉम अमाइनो एसिड ग्रुप द एंड उधर टूट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन कॉमन है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है इसमें क्या टूट जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉली माने मैनी और पेप्टाइड मतलब बॉन्ड, ऐसे इसमें क्या होगा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, टू अमाइनो एसिड रिएक्ट फॉर द डाइसल्फाइड या डाइपेप्टाइड, देयर द अमाइनो एसिड कैन बी द जॉइंट बाई द टू पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम द ट्राईपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच में जुड़े होंगे और बहुत सारे बॉन्ड मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, पावर सेलुलर मोशन, फॉर्म द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, हेयर, बोन, टेंडन एंड टीथ, ठीक है, ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर बनाती है। ह्यूमन प्रोटीन देयर फॉर द रिफ्लेक्ट, ठीक है, सोफिस्टिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ देयर बायोलॉजी, ठीक है, रूल्स, देयर फॉर मैच्योरेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड इन टू द बायोलॉजिकली फंक्शन, इसको भी देखेंगे हम, ठीक। स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, माई एड, ठीक है, मे एड बी न्यू
केमिकल ग्रुप्स ऑफ प्रिमोटी की टेंडेंसी इधर जेनेटिक मटेरियल की रखता है क्रूजफेल्ड, ये बीमारी हो जाती है इनकी कमी से। फोर डिसऑर्डर फोर डिसऑर्डर ठीक है, इसके बेस पर क्या है जो ऑर्डर होते हैं प्रोटीन के, द मॉडर्न नेचर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज एंड फोल्डिंग आर इम्पोर्टिंग ठीक है। इन कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगी प्रोटीन की, लिंकिंग अमीनो एसिड इज रेजिड्यू इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये स्टेबल होती है, अरेंज होती है अमीनो एसिड का ठीक है। रेगुलर स्ट्रक्चर पैटर्न मिलेंगे अमीनो एसिड ठीक है, हेल्पा हेलिक्स। एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होगी, टर्सरी डायमेंशन में क्या है असेंबल बाई द सेकेंडरी स्ट्रक्चर यूनिट टू फॉर्म लॉन्गर फंक्शनल यूनिट मिलेंगे। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होती है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है प्रोटीन की। इसके अलावा फोर स्ट्रक्चर्स मिलती हैं प्रोटीन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, एक सीक्वेंस में मिलते हैं अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू की फॉर्म में ठीक। सेकेंडरी में क्या है, थोड़ा डेंस हो जाएंगे, अल्फा हेलिक्स होता है इसमें। टर्सरी में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी मोर देन ठीक है। और क्वार्टरनरी में क्या है, और ज़्यादा असेंबल सब यूनिट मिल जाएंगी आपको। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ईच प्रोटीन हैज़ द डिस्ट्रक्टिव नंबर ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड मिलता है। दे आर द टर्मिनेस टर्माइंस हाउ इट द फोल्ड अप इन टू द यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस टर्न द डिटरमाइन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी अरेंज इन इट सेल्फ एंड करेक्टरिस्टिक हेलिकल एंड प्लेटेड एंड सेगमेंटेड गेन बाई द पॉलिंग एंड कोरे ने दिया था ये मॉडल ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह का है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एल्फा हेलिक्स होता है, एल्फा हेलिक्स इज ट्विस्टेड बाई द इक्वल अमाउंट ऑफ ईच एल्फा कार्बन, आप देख सकते हैं एक ये लीनियर फॉर्म में ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, अप्रोक्स साइज भी दे रखा है इनका मॉलिक्यूल्स का, कितना PSI होता है, डिस्टेंस कितनी होती है, पिच कितना होता है, आर ग्रुप कहाँ लगा रहता है ठीक है, कॉन्फिगरेशन मिलेगा। व्यू टू और एक्सिस इन द एल्फा हेलिक्स, ये एल्फा हेलिक्स का क्या है, इन्होंने वो दिया है व्यू एक्सिस का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एल्फा हेलिक्स क्या है, इसका रोल है स्टेबिलिटी होता है एल्फा हेलिक्स ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है बिटवीन द ऑक्सीजन ठीक है, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एंड फोर्थ रेजिड्यू डाउन, ये सब मिलेगा। सप्लीमेंट वाई वैन डेर वाल्स फोर्स इनके बीच में मिलता है मॉलिक्यूल बीच में। सेकेंडरी से बीटा सीट एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन व्यू इज ऑफ वन फॉर्म, जिग जैक प्लेटेड पैटर्न मिलता है ठीक है अमाइनोस के बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा इसमें, कार्बोजन जीन मिलेगा अमाइड ठीक है, ये सब मिलते हैं बीटा सीट में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा सीट की ये देख सकते हैं आप, ये टू टाइप की है, पैरेलल होती है और एंटी पैरेलल होती है ठीक है। लूप्स ऑफ बैंड ग्लोबल प्रोटीन्स में होती हैं ठीक है, देख सकते हैं शॉर्ट सेगमेंट में लूप्स ऑफ बैंड में। ये इंपॉर्टेंट है डीनेचुरेशन प्रोटीन, द फिनोमेना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेगेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, मतलब अमाइनो एसिड का कॉन्फिगरेशन बिगड़ जाना। अब ये बिगड़ेगा कैसे, गर्म करने से बिगड़ सकता है, पीएच से बिगड़ सकता है ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेनिंग इंटरेक्ट भी ठीक है, लिंकेज ऑफ ब्रोकन जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है इनके बीच में ठीक है। डीनेचुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन, इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन ठीक है प्रोटीन टू सेमी सॉलिड एंड बिस्कर प्रॉपर्टी होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, इसका क्या कोगुलेशन प्रोटीन हो जाती है, प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन रेशियो 1:2:1 के रेशियो में, इसमें हमें क्या मिलेगा CHO मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट बनाता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है। यूज एज एनर्जी सोर्स, ये प्राइमरी सबस्टेंस होता है एनर्जी का बॉडी में, कॉल्ड सैक्राइड बोलते हैं इसको ठीक है। अप्रोक्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 कैलोरी पर ग्राम रखता है ठीक है, हमको 1 ग्राम से कितनी मिलेगी, 4 to 5 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब नॉर्मल रिकमेंडेशन अगर कोई एथलीट्स है तो उसको पर वेट 5 to 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है, करंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और एनर्जी नीड लेनी पड़ती है हमको ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट देखें तो सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर ठीक है, टू टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सिंपल शुगर में आते हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में आएंगे पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब होता है सिंगल यूनिट, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत सारी सिंगल यूनिट होंगी। ये इनकी स्ट्रक्चर्स है मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में क्या है, मोनोसैकेराइड में 3 आएंगे ठीक है, कौन कौन से, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज।
तो यहाँ दे रखे हैं सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड, वन शुगर होगा यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, तो ये है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो मेन सोर्स है एनर्जी का बॉडी का, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जो हेक्सो शुगर होती है ग्लूकोज, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन मिलती हैं इन तीनों में, ठीक है। हेक्सो शुगर को हम ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ग्लूकोज जो होगा हमेशा वो डी फॉर्म में मिलता है, डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की फॉर्म होती हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। जो अमाइनो एसिड थे वो कैसे मिलते थे, एल फॉर्म में, जबकि ग्लूकोज कैसा मिल रहा है, डी फॉर्म में। जस्ट इसके अपोजिट कौन है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं हम, हनी शुगर और फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। ये मिलता है एल फॉर्म में, इसमें लीवो रोटेटरी कन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब ये लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करता है रोटेशन में देखें तो, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया, इनकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। केवल ग्रुपिंग का और कार्बन का अंतर रहता है, ठीक है। सिंपल शुगर में डाइसेक्राइड देखेंगे, तो डाइसेक्राइड्स के अंदर हम देखेंगे तो 3 तरह की हमें शुगर मिलेंगी, उनके नाम क्या है, डाई मतलब टू और सैक्राइड मतलब शुगर। एग्जाम्पल देखें तो टेबल शुगर, टेबल शुगर को हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2 यूनिट होंगी किसकी, मोनोसेक्राइड्स की। ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज इजिकल टू सुक्रोज। अब माल्टोज में क्या मिलेगा, माल्टोज में सुक्रोज प्लस ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और लैक्टोज में क्या मिलेगा, लैक्टोज में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क शुगर। माल्टोज क्या है, पोटेटो वगैरह में मिलता है। टेबल शुगर गन्ने वगैरह में मिलता है। ये डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इस ये जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कैसे होता है, वाटर से टूटता कैसे है, डिहाइड्रेशन कैसे होता है, हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है और सुक्रोज बनता कैसे है, तो कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ये हो गया, ठीक है। लैक्टोज माल्टोज की स्ट्रक्चर दिखाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। पॉलीसेक्राइड में क्या है, मैनी शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। एनी मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ और ग्लूकोज। फंक्शन क्या होगा, सेल यूज देम एनर्जी एंड स्ट्रक्चर, दे अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रेजुअली यूज एनर्जी सिंस इट इज़ द स्टोर एज द लार्ज स्ट्रक्चर लाइक इन बैंक। ये बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, स्टोर में एनर्जी को। पॉलीसेक्राइड जो होता है वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या करेगा, एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, प्लांट के फॉर्म में रहती है स्टोर, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, एनर्जी स्टोर इन एनिमल, एनिमल में क्या है, जो ग्लूकोज है किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और सेलुलोज क्या है, प्लांट सेल वॉल बनाता है। ऑल आर लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डिफरेंसेस लाई एंड हाउ द बाउंड्री एंड टूगेदर, ये पॉलीसेक्राइड्स हो गया। अब आता है स्टार्च। स्टार्च का 1000 ग्लूकोज एंड शुगर बाउंडेड टूगेदर, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम स्टार्च। ये सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, मेकअप ऑफ द वॉल एंड प्लांट सेल मेड अप ऑफ ग्लूकोज। पॉलीसेक्राइड के अंदर देखेंगे हम यहाँ, स्टार्च बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज कैन बी डाइजेस्टेड इन अमाइलो प्लांट एंड ग्लाइकोजन एंड एनिमल। सेलुलोज में बाइंड विद द बिटवीन ग्लूकोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई एनिमल, मतलब सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता वो ड्यू टू स्ट्रक्चर्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो क्या है, वो ग्लाइकोजन्स, ठीक है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होता है। एनिमल स्टोर इन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन टू द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन सिमिलर फॉर्म द स्टार्च, इसी तरह से स्टार्च स्टोर होती है, ठीक है, प्लांट में। रिजर्व एनर्जी एंड स्टोर इन लीवर एंड मसल्स में होता है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड्स में मैनोज और फेमेनोज होते हैं, ठीक है। मैनोज होते हैं, इट इज़ अकर फ्री, मतलब इट्स अकर नेवर फ्री फॉर्म, जो मैनोज होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं। और ये फेमेनोज जो होते हैं, ये इसका फॉर्मूला सिमिलर होता है, बट इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लैक होता है, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम इज डिफिसिट इन इट इज सरफेस टू, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला इज C6H12O5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलता कहाँ पर है, प्रेजेंट इन फ्लो में मिलता है फेमेनोज। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन काइटिन एंड एल्युमिन मिलते हैं, ठीक है। होमो माने होता है सेम सेक्राइड्स, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है, प्रेजेंट इन हेट्रो पॉलीसेक्राइड। इसमें क्या है, हाइलोरोनिक एसिड मिलेगा, कॉन्ड्रेटिन मिलेगा, हेपेरिन, पैक्टिन, हेमिड सेलुलोज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके पॉलीसेक्राइड के अंदर, होमो और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स के। थैंक यू फॉर, आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में।